नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को 5 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है, जो अक्टूबर में इन पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर राज्य में लगी पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार से राज्य में संचार व्यवस्था पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और एक कश्मीरी छात्र को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। सीताराम येचुरी ने श्रीनगर जाकर अपने विधायक दोस्त MY तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा जामिया के एक छात्र को अपने माता पिता से मिलने अनंतनाग जाने की भी अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान द्वारा UN में कश्मीर को लेकर की गई कथित शिकायत में राहुल गांधी के बयान के इस्तेमाल के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से असहमति रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश के लिए इसमें दखल देने की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने कश्मीर में हिंसा को पाकिस्तान प्रायोजित बताया। कश्मीर मसले पर भारत को रूस का खुलकर साथ मिला है। रूसी राजनयिक निकोले कुदाशेव ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है, यह भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और लाहौर समझौते के तहत हल किया जा सकता है। इसरो ने आज चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में सुबह 9:04 पर डाला गया। इसके बाद 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चांद की चौथी और 1 सितंबर को 5वीं कक्षा में डाला जाएगा और अंत में 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। गुरु रविदास मंदिर को फिर से बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के 2 पूर्व सांसदों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे संत गुरु रविदास के अनुयायी हैं और इस स्थान पर नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करते थे। याचिका में कहा गया है कि यह स्थल पवित्र है और अनुयायियों में इसके प्रति अत्यधिक आस्था है, क्योंकि संत गुरु रविदास इस स्थान पर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी ने धोनी के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धोनी के रिटायरमेंट का फैसला उनके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो अभी भी युवा क्रिकेटरों के लिए रोल मॉडल हैं। पूर्व विकेटकीपर ने कहा कि धोनी ने अपने आप ही टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी और उसी प्रकार हम लोगों को अब आगे का फैसला भी उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने 85 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बनाया है। राइट ने बताया कि वह अगले 2 सप्ताह में क्रिकेट से संन्यास लेंगे। बता दें कि वह गैरी सोबर्स, वेस हॉल और रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। ICC ने एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को चिढ़ाते हुए बेन स्टोक्स को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बताया है। इससे पहले ICC ने विश्व कप फाइनल में स्टोक्स द्वारा खेली गई पारी के बाद सचिन तेंदुलकर के साथ स्टोक्स की फोटो ट्वीट कर लिखा था कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर। और अब ऐसे में स्टोक्स की पारी के बाद ICC ने वही फोटो फिर ट्वीट कर कहा है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 350 करोड़ के बजट में बनी साहो को देश भर में बड़े स्केल पर रिलीज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि साहो ने स्क्रीन शेयरिंग के मामले में बाहुबली 2 और रजनीकांत की साइंस फिक्शन 2.0 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साहो को भारत में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।